चले हुए लोग कुछ इंसानों को पकड़कर उन्हें घसीट घसीट कर अपने साथ ले जा रहे थे। वहां खड़ा एक जोकर ये सब देखकर हंस रहा था। ये कहानी है राजस्थान के एक ऐसे सर्कस की जो काफी साल पुराना था। वो सिर्फ उस शहर का ही नहीं, आसपास के सभी शहरों का सबसे अच्छा सर्कस शो माना जाता था, सिर्फ उसके फेमस जोकर के कारण। वो जोकर लोगों को हंसाने और मनोरंजन करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देता था। उस सर्कस को देखने दूर दूर से लोग बहुत उत्साहित होकर आते थे और हर बार की तरह सर्कस लगने का समय आ गया था। सभी लोगों ने टिकट बुक करा लिए थे। खूब जोरों शोरों से सर्कस की बातें हो रही थी। गांव के लोग आपस में बातें करते हैं। अरे भाई, सारी तैयारियां कर लो, सर्कस बस कुछ देर में शुरू ही होने वाला है, खूब मजे लेंगे। हाँ भाई, सुना है इस बार तो सर्कस में शेर का नाच भी देखने को मिलेगा। हाँ भाई, मगर इस बार सर्कस की टिकट तो बहुत महंगी रख दी है, पर कोई बात नहीं, हमारा प्यारा जोकर इतना अच्छा करतब दिखाता है कि मजा ही आ जाता है। उसके करतब इतने अच्छे और अद्भुत होते हैं कि हम तो जरूर जाएंगे। और ऐसे ही गांव में जगह जगह सर्कस की बातें चल रही थी और दो दिन बाद सर्कस लग जाता है। अब सारे लोग सर्कस में जाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ देर बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सर्कस में बड़े बड़े झूले, खेल खिलौने, ये सब देखकर बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ तुरंत ही इकट्ठा हो गई। इधर उधर हर जगह चहल पहल थी और खूब शोर शराबा था। इतने में ही बाहर से एक जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हो गया, मगर किसी को उसकी भनक नहीं हुई, क्योंकि सर्कस में सब जोकर और जानवरों की करतब देखने में इतने मगन थे कि किसी को आवाज ही नहीं आती। वहाँ 3-4 जनरेटर और लगे हुए थे। शॉर्ट सर्किट होने के कारण उस जनरेटर में आग लग गई। एक जनरेटर से दूसरे में और ऐसे करते करते सारे जनरेटर में ऐसे ही आग लग गई और धीरे धीरे करके आग बढ़ गई। आग सर्कस के पर्दों पर आ गई। ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान हो गए और इधर उधर भागने लगे। आग, आग, भागो यहाँ से, भागो! इतने में वो लोग भाग पाते तब तक सारे ग्राउंड में आग लग चुकी थी और अब कहीं से भी भागने का रास्ता नहीं बचा था और आग बढ़ती जा रही थी। वो आग पूरे सर्कस में फैल गई। वो जोकर भागते हुए जमीन पर गिर गया। सब लोग उसके ऊपर चढ़कर जा रहे थे, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को आग ले डूबी। फिर आसपास के गांव में ये खबर फैल गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाया और पुलिस को भी खबर दी। इतने में कि वहाँ पर बाकी लोग आए, वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस ने आते ही आग बुझाई और जब जांच पड़ताल हुई तो एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा था और वहाँ से सब लाशों को पुलिस वालों ने हटा दिया था और ये मामला वहीं खत्म हो गया था। लेकिन अगले साल सर्कस का समय फिर आया और इस बार कुछ ऐसा हुआ कि सारे आसपास के गांव में इसकी दहशत फैल गई। सब लोगों के घरों के बाहर खून से लिखा था, जो कोई भी सर्कस नहीं आएगा वो अपनी जान से जाएगा। ये देखकर लोग सोचते हैं, भाई ये सब कौन लिख कर गया है, ये किसने लिखा होगा, लगता है किसी ने मजाक ही किया होगा। फिर सर्कस लगाने वाली रात आ गई और कोई भी सर्कस को देखने नहीं गया तो लोगों के घर के गेट बजने लगे। जैसे ही सबने अपने दरवाजे खोले, हर घर के आगे एक इंसान खड़ा था जो गेट बजा रहा था और कह रहा था, सर्कस में आओ, सर्कस में आओ, हमारा जोकर तुम्हें बुला रहा है। सब लोग हैरान होकर सोच रहे थे, बेटा क्या हो रहा है, कौन जोकर, मैं सर्कस में नहीं आना चाहती, अब मेरी उम्र भी हो गई है और हमारा जोकर भी अब नहीं रहा, तो मैं तो नहीं जाऊंगी। आना तो पड़ेगा काकी, वरना। ये कहकर
वो आदमी वहाँ से चला जाता है। काकी आवाज देती है पर वो नहीं सुनता। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो सब आदमी देखने में इंसान जैसे ही लग रहे थे, और ये देखकर सब लोग रात में सर्कस देखने चले गए। जैसे ही सब लोग सर्कस देखने पहुँचे, उन्होंने देखा कि सर्कस तो पहले की तरह ही जगमगा रहा था। वहीं जानवरों और जोकर का खेल चल रहा था। अरे वाह, हमारा सर्कस तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सब ऐसे ही खुश होकर अंदर चले गए और जोकर एक रस्सी पर चल रहा था। फिर उसने एक आग के गोले में करतब दिखाया और थोड़ी देर में वहाँ जला हुआ शेर भी आया और करतब दिखाने लगा। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। तुरंत ही वहाँ मौजूद सारे लोग जमीन में खड़े खड़े ही धसने लगे। सब चिल्लाते हैं, ये क्या हो रहा है, हम जमीन में कैसे धस रहे हैं, कोई हमारी मदद करो। तभी उन्हें वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो वही लोग थे जो उन्हें बुलाने आए थे। वो भूत में बदल गए और वो कहने लगे, तुम्हें क्या लगा हम मर गए और तुम सब शांति से रह पाओगे? अगर हम सब मर गए तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हें भी मरना ही होगा। और ऐसा करके सारे लोग नीचे मिट्टी में चले गए और जमीन में भूतिया सर्कस था। वहाँ सब कुछ भूतिया था, जानवर भी भूतिया, लोग भी जले हुए। जो लोग जिंदा थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, इस भूतिया सर्कस में हमें नहीं रहना, हमें छोड़ दो। उसमें से एक आदमी हनुमान का भक्त था। उसके गले में बजरंग बली का लॉकेट था। जैसे ही भूत उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो आदमी अचानक खुद ही जमीन के ऊपर आ जाता है। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से बच निकला और भागता डरता हुआ अपने घर चला गया और दरवाजे बंद करके बैठ गया। मगर फिर रोज उस सर्कस के जले हुए आदमी उसके घर का रोज दरवाजा खटखटाते और सर्कस के भूत किसी न किसी आदमी को रोज उठाकर अपने सर्कस में ले जाते और उन्हें वहाँ का जोकर बनाकर करतब देखते। और ऐसा करते करते आसपास के गांव के आधे से ज्यादा व्यक्ति खत्म हो गए। फिर जो लड़का सर्कस से बचकर आया था वो पुलिस स्टेशन गया और सारी बात बताई। मगर सर्कस के सभी लोग तो जलकर खत्म हो गए थे, फिर ये भूत प्रेत कहाँ से आ गए? लगता है कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा होगा। नहीं सर, वो मरे हुए लोग भूत बन गए और सर्कस के भूत अपनी एक फौज तैयार कर रहे हैं। वो इतने सारे भूत हैं कि उन्होंने हमारे आधे गांव के लोगों को उठा लिया है और उन्हें परेशान करके रख रखा है। उन्हें धीरे धीरे मार रहे हैं और अपने सर्कस में शामिल कर रहे हैं। चलो हमें वहाँ लेकर चलो, हमें भी देखना है। फिर पुलिस वाले भी सर्कस वाली जगह गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर 3-4 भूत खड़े थे जो उन्हें अपने पास बुला रहे थे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये हमारी जगह है, हम यही जलकर मरे थे, अब जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे और अब हम तुम्हें भी अपने सर्कस में शामिल कर लेंगे। पुलिस वालों को पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो ये सब देखकर अचंभित हो गए और वहाँ से भाग गए। फिर उन्होंने सरकार से परमिशन लेकर उस जगह पर मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनते ही सब भूत धुआं बनकर गायब हो गए। फिर वहाँ के लोगों को उस भूतिया सर्कस से मुक्ति मिल गई और वो शांति से रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती हैं।